मरीशस रे कोनोसी सेल कंपनी नाही हिंडेनबर्ग पक्षरु होइथिबा अभियोग भित्तिहीन। मरीशस पार्लियामेंट रे एभली मंतव्य रखिछंती मरीशस अर्थमंत्री मोहन कुमार सिरुतुन कहिछंती अमेरिकार शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग मरीशस रे सेल कंपनी नहीं जो अभियोग आनिछि ताहा मिथ्या एवं एहार कोनोसी आधार नाही। मरीशस OECD अधीनस्थ टैक्स रूल पालन करि आसुछि। जनवरी 24 तारिख रे हिंडेनबर्ग अभियोग अनुसार अदानी ग्रुप मरीशस रे अवस्थापित सेल कंपनी द्वारा भारत रे अवस्थापित लिस्टेड कंपनी रो स्टॉक प्राइस को प्रभावित करा जाइछि। जेतेबेले हिंडेनबर्ग रो एही अभियोग को नै जने पार्लियामेंट सदस्यों लिखित प्रश्न रे मरीशस अर्थमंत्री कहिसंती जे तांकर देश आईन एभली सेल कंपनी को काम करने को अनुमति प्रदान करिना। से आहुरी मध्ये कहिसंती जे देशर नियम अनुसार सेल कंपनी गुड़िक कार्य करिबा लागि अनुमति मिली न थाए। समस्त विदेशी कंपनी गुड़िक फाइनान्स सर्विस कमिशन द्वारा अनुमोदन पाई समस्त प्रकार आवश्यकता पूरण करिथांती। एहाकु भल भाबे कमिशन अनुधान करिथांती। सेमिति किछि नियम उल्लंघन नै जो अभियोग आसुची ताहा भित्तिहीन। हिंडेनबर्ग पक्षर होइतिबा अभियोग को गुरुतर सह नैछंती फाइनेंशियल सर्विस कमिशन, किंतु आईन अनुसार यह गोपन रखा जाइछि। जहाँ भी तदंत होइछि फाइनेंशियल सर्विस कमिशन ना ताकु सुनिश्चित करिपारिबे नाही किछि आग्रह करिपारिबे। यहाँ द्वारा तदंत प्रभावित होबार आशंका रहितिबा कहिसंती मरीशस अर्थमंत्री मोहन कुमार। फाइनेंशियल सर्विस कमिशन सीईओ धनेश्वर नाथ विकास ठाकुर पूर्वरु कहि सारिछंती मरीशस रे अदानी ग्रुप सह जड़ित व्यावसायिक संस्था कोनोसी प्रकार नियम उल्लंघन करि नाहंती। अर्थमंत्री मोहन कुमार कहिसंती जे मरीशस रे एक कंपनी तालिकाभुक्त करिबाकु हेले सेमानकु सेमानक आयर उत्स मरीशस किंबा अन्य देशरु रहिछि देखाइबाकु पड़िथाय। एहा मरीशस रु ही परिचालित होइथाय। कंपनी रो अति कम रे दुई जन निर्देशक मरीशस रे रहउथिबा आवश्यक होइथाय। मरीशस रे ही कंपनी रो मुख्य बैंक अकाउंट रहिथाय। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबु मरीशस रे ही ऑडिट होइथाय। हिंडेनबर्ग अदानी विवाद सुप्रीम कोर्ट रे उठिबार ठीक किछि समय परे एभली मंतव्य आसीछि। सुप्रीम कोर्ट को द्वारा एक विशेषज्ञ कमिटी एहार अनुधान करुछंती। एही अभियोग रो जांच करुथिबा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी आहुरी अधिक 6 मास समय मागिछि। दि सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अदानी ग्रुप एवं मरीशस रो दुई कंपनी ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड एवं आयुष्मान लिमिटेड मध्य थिबा संजोगर जांच करुछि। अदानी ग्रुप रो फ्लैगशिप कंपनी रे प्रमुख निवेशक थिले एही दुई कंपनी जहार शेयर सेल निकट रे बातिल हो जाइथिला। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट फल अदानी ग्रुप 140 बिलियन अमेरिका डॉलर क्षति सहबाकू पड़ी। तेबे अदानी ग्रुप पक्षरु हिंडेनबर्ग अभियोग को खंडन करा जाइछि। मरीशस को टैक्स ठकेईर स्वर्ग बोली जो अभियोग होई आसुछि ताकू खंडन करिसंती मरीशस अर्थमंत्री। कहिसंती मरीशस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD समस्त नियमावली पालन करुछि। 2018 मसीहारु मरीशस तार अंतर्जातीय व्यवसाय नीति और टैक्स नियमावली रे संस्कार आनिछि। एठाकर टैक्स नियमावली को नै OECD संतुष्ट थिबा कहिसंती से। फाइनेंशियल सर्विस कमिशन अदानी विषय को अति निकटरु अनुधान करुछंती। समीक्षा रिपोर्ट अनुसार एथिरे जड़ित समस्त कंपनी को तथ्य मगा जाइछि एवं किछि तथ्य हस्तगत होइछि। एही मामले फाइनेंशियल सर्विस कमिशन मरीशस सरकार को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एवं विदेशी नियामक संस्थार सहयोग निया जाइछि। एहा मिथ्या एवं भित्तिहीन केमिति हैला बोली प्रश्न रे मरीशस अर्थमंत्री कहिसंती। मरीशस रे पंजीकृत सेल कंपनी नै रिपोर्ट रे उल्लेख थिबा मंतव्य आधार रे से ही मंतव्य रखिसंती। मरीशस रे व्यवसाय पई आवश्यक लाइसेंस पई किछि शर्तावली पूरण करिबाकू होइथाय एवं से सबु शर्तावली को से निर्दिष्ट कंपनी गुड़िक पूरण करिथिबा कहिसंती मरीशस अर्थमंत्री मोहन कुमार सिरुतुन। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।